कानपुर देहात में मौसम की मार, लोग नजर आ रहे बेहाल। अस्पतालों में दिख रही मरीजों की भीड़, मौसम में हो रहे तेजी से बदलाव और उमस भरी गर्मी से जहां एक ओर लोग बेहाल नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर संक्रामक बीमारियों के फैलाव की आशंका के चलते लोग चिंतित दिखाई दे रहे हैं। अस्पतालों में संक्रामक बीमारियों से ग्रसित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा होता दिखाई दे रहा है। वहीं संक्रामक बीमारियों से ग्रसित नैनिहालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। ऐसे में जनपद कानपुर देहात के स्वास्थ्य विशेषज्ञ लोगों को बचाव व एहतियात बरतने की सलाह और आवश्यक जानकारी देते दिखाई दे रहे हैं। कानपुर देहात के अस्पतालों में लगी मरीजों की लंबी लंबी कतारें, चिकित्सक कक्ष के बाहर लाइनों में खड़े मरीजों का यह नजारा है जनपद कानपुर देहात का, जहां सरकारी अस्पतालों से लेकर प्राइवेट अस्पतालों में मौजूदा मौसम के बदलते मिजाज और उमस भरी गर्मी से फैल रही बीमारियों से ग्रसित मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। अस्पतालों में मरीजों की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर संक्रामक बीमारियों से ग्रसित मरीजों को लेकर जिले के वरिष्ठ चिकित्सक और बाल रोग विशेषज्ञ लोगों को आवश्यक जानकारी देते दिखाई दे रहे हैं। वरिष्ठ चिकित्सक मौजूदा समय में मौसम की वजह से होने वाली बीमारियों के विषय में जानकारी दे रहे हैं, साथ ही उससे बचाव के तरीके भी बता रहे हैं। वहीं मौजूदा मौसम की वजह से बच्चों में भी बीमारियां बढ़ती नजर आ रही हैं। ऐसे में बच्चों सहित बुजुर्गों की देखभाल करना और एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। डॉक्टर साहब, बारिश हो जाने से मौसम में अचानक जो है तब्दीली आई है, किस तरह के मरीज हैं जो ज्यादा बढ़े हैं और क्या एहतियात है उनके लिए जो बरतें जिससे वो ठीक आए? अभी क्या होता है ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, फिर एकदम से बारिश स्टार्ट हुई है तो टेम्परेचर एकदम से कम हुआ है और बाकी उमस भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि लोगों में कुछ न कुछ एलर्जी और इन्फेक्शन होने की वजह से जो है उनको यूआरटीआई, कोल्ड और इस टाइप के डायरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है। बच्चों को खासकर ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है तो बच्चों में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो जाता है। तो बच्चों की केयर करना है, उनको वाइल्ड वाटर पिलाइए, रिहाइड्रेट करिए और धूप में या फिर बारिश में उनको न जाने दीजिए। बुज़ुर्गों का भी केयर करना है ना, बुज़ुर्गों का भी ध्यान रखिए कि उनको जो है रूटीन की केयर प्रॉपर मिलती रहे, ऐसा मेरा मानना है। स्थिति है तो लोगों से क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो व्यवस्थाएं करें जिससे मच्छर जैसी वाली जो बीमारियाँ होती हैं वो ना हो? जल भराव के लिए तो क्या है कि हर जगहों पे वाटर ड्रेनेज ना होने से पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसमें मच्छरों का फैलना, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन या बैक्टीरिया का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इसमें दुनिया भर की बीमारियाँ फैलती हैं, डायरिया है, वायरल फीवर है, कोल्ड है, ये सब बहुत कॉमन है। तो जेवी हेल्थ केयर अब रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ईसीजी मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।